बरेली की तहसील मीरगंज विकासखंड फतेहगंज पश्चिमी के राम मवौली स्थित प्राथमिक विद्यालय व पूर्व माध्यमिक विद्यालय में सरकार द्वारा कराए गए कायाकल्प के अंतर्गत जहां ग्राम प्रधान तेज राम गंगवार ने कायाकल्प का कार्य पूर्ण कराने में सरकार के सभी मानकों को ध्यान में रखते हुए कायाकल्प का कार्य कराया, वहीं प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत स्टाफ ने प्रधान को पूर्ण सहयोग भी किया। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय की कला अनुदेशक रचना शर्मा ने विद्यालय के कमरों और बरामदे में जो कलाकृतियां बनाई है उनको देखकर भारत के मशहूर चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन की कलाकृतियां याद आने लगी। रचना शर्मा द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को आसपास के ग्राम वासियों के अलावा दूरदराज से भी लोग देखने के लिए आ रहे हैं। आज हमारे संवाददाता ने स्कूल के भ्रमण के दौरान रचना शर्मा द्वारा बनाई गई कलाकृतियों को अपने कैमरे में कैद किया और उनकी इस कला के संबंध में रचना शर्मा से खास बातचीत की। इस मौके पर ग्राम प्रधान तेजराम गंगवार विद्यालय की शिक्षिकाओं और शिक्षकों ने रचना शर्मा की कलाकृतियों की प्रशंसा की, जिसमें शैलेंद्र सिंह, प्रियता अग्रवाल, वंदना, ममता, सोनाली, जियालाल, कंचन अग्रवाल सहित कई लोग उपस्थित रहे। इस अवसर पर कला अनुदेशक रचना शर्मा ने बताया। बरेली से रफी मंसूरी की रिपोर्ट। ये जो स्कूल में हम खड़े हैं, ये कौन सा स्कूल कहलाता है? ये जूनियर हाई स्कूल मड़ौली। ये आपके इतनी खूबसूरत पेंटिंग और इतनी बढ़िया आपके स्कूल में जो कायाकल्प कराया गया है, इसमें यहाँ पर हमें जानकारी ये मिली है कि आपके यहाँ कोई स्कूल में स्टाफ में है, वो कौन है और उनका क्या क्या यहाँ पे कार्य रहा है, हम जानना चाहते हैं आपसे। हमारी ग्राम पंचायत मड़ौली की हमारी छोटी बहन रचना शर्मा का ये पेंटिंग में और यहाँ की जो व्यवस्था है उसमें पूरा सहयोग रहा है। क्या रचना जी से हमारी आप बात करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं जी। आपका नाम? रचना शर्मा। यहाँ किस पद पर आप कार्यरत हैं? अनुदेशक। अच्छा, ये बताइए कि आपने स्कूल में जो पेंटिंग की है जी, ये क्या आपने इसका डिप्लोमा किया है या आपने अपने परिवार में इसको सीखा है? किस तरीके से ये आपको प्रेरणा मिली कि ये पेंटिंग आपकी देख करके ये लग रहा है कि बहुत अच्छी आपने पेंटिंग की, बहुत अच्छे आप पेंटर हैं, इसके बारे में हमें जानकारी दीजिए जी। सर, वैसे तो ये गॉड गिफ्ट है लेकिन मैंने सीखा भी है और एम ए किया है और फैन आर्ट का कोर्स किया है, IGD भी किया है और यहाँ मैं कला निदेशक ही हूँ। और फिर मुझे लगा कि मैं अपने प्रयास से कुछ कर सकती हूँ स्कूल में, तो मैंने पेंटिंग कारी की है बच्चों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आपने अधिकतर जितने भी स्कूल हैं ज़्यादातर वहाँ पर पेंटरों ने कार्य किए हैं, उनको जो है उनका मेहनताना दिया गया है जी। तो आपने ये जो कार्य किए हैं इसमें तो आपने प्रशासन का भी सहयोग किया, स्कूल कर्मचारी का, प्रधान का, सबका सहयोग किया और एक बड़े पैसे की जो आपने बचत कराई है, तो ये ख्याल आपको कैसे आया? मुझे लगा कि इस समय हम थोड़ा खाली भी हैं, शिक्षण कार्य चल नहीं रहा है और कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभा जो है जब हम निखारेंगे इसमें कहीं बच्चों पे असर पड़ेगा, बच्चे देखेंगे जो चीज़ हम बोलते हैं मुँह से बच्चे वो चीज़ नहीं याद रख पाते हैं, जो हम उन्हें सिखाना चाह रहे होते हैं हमने वो चीज़ जो है दीवारों पे अपने चित्रकला के माध्यम से उभारा है। अच्छा, ये बताइए क्या आपके इस कार्य के लिए जी प्रधान जी ने आपको कोई सम्मानित उपलब्धि से नवाजा? अभी तो नहीं लेकिन आगे। अभी तो नहीं लेकिन हाँ नवाजेंगे कह रहे थे वो जी। तो क्या आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी जानते हैं कि आप पेंटिंग में बहुत एक्सपर्ट हैं और ये कार्य आपसे दूसरी जगह भी विभाग ले सकता है? बबीता मैडम जो हैं BA मैम हमारी, तो उन्हें मालूम है, उन्होंने देखा, उन्होंने पेंटिंग की काफ़ी सराहना भी की थी, बस उत्साह भी किया था। क्या जब आप ये पेंटिंग बना रही थी मैम जी और आपके साथ में स्कूल के कुछ बच्चे भी रहे होंगे, तो कुछ क्या बच्चों ने कुछ सीखा आपसे अब तक? जी, बच्चे जो हैं जो हम किस तरह से कार्य कर रहे हैं और जो उत्साह वर्धन होता है बच्चों का कला के प्रति, रुचि जो है वो देखकर ही बढ़ती है बच्चों की, तो अच्छा लग रहा था बच्चे जो बार बार देख रहे थे और बच्चे सीख रहे थे उससे, तो हमने जो भी कुछ बनाया तो सीखने के माध्यम से ही बनाया।
जो भी चित्रकारी की सीखने के माध्यम से ही की है यहाँ बच्चों की। तो इसमें इस पेंटिंग में क्या बच्चों की भी हिस्सेदारी रही है कुछ काम करने? बच्चों की हिस्सेदारी तो अभी नहीं रही है क्योंकि बच्चे अभी नहीं आ रहे थे, तो हमारे साथ में एक मैम थी, उन्होंने भागीदारी दी अपनी। तो कौन सी मैम है? रेशु अग्रवाल। या आपके स्कूल में मौजूद है इस वक्त? तो वो सीएल पे हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। हम प्रशासन और शासन से कहेंगे कि ऐसी प्रतिभाओं को उभर करके आना चाहिए और जिला स्तर पर कम से कम आपको सम्मानित करना चाहिए। या आपके विभाग को चाहिए कि आप जैसी प्रतिभा से जितना भी कार्य लिया जाए बच्चों के लिए और विभाग के लिए, वो बहुत